दोस्तों बात आज होने वाली है कंफर्म तत्काल टिकट के कैंसल रिफंड के एक नए अपडेट के बारे में। आपको पता ही होगा अब तक ऐसा नियम है कि अगर आपके पास कंफर्म तत्काल टिकट है और आप उसको कैंसिल करते हो किसी कारण से तो आपको एक भी रुपए रिफंड नहीं मिलता है रेलवे की तरफ से। हाँ, अगर आपका टिकट तत्काल में है और वो RAC या वेट लिस्ट में है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो, जिसमें आपका क्लर्क के चार्ज रेलवे रख के बाकी पैसे आपको वापस कर देती है। तो अब ऐसा होगा कि आपको कंफर्म तत्काल टिकट में भी रिफंड किया जाएगा। अब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे भी टर्म एंड कंडीशन है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज़ देखने या सीखने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरा विस्तार से आपको बता देता हूँ, तत्काल टिकट की बुकिंग जो है भारतीय रेल में, गाड़ी अपनी पहली स्टॉप से जिस भी दिन खुलती है उसके एक दिन पहले सुबह के 10 बजे AC क्लासेस की और सुबह के 11 बजे नॉन AC क्लासेस की बुकिंग होती है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ अगर आप इस टिकट को, आपको कन्फर्म यहाँ मिल जाता है, इसको आप कैंसिल करते हो तो आपको 0 रिफंड किया जाता है। लेकिन अब रेलवे इस बारे में सोच विचार कर रही है कि इसमें भी यात्रियों को रिफंड किया जाएगा। अच्छा, ये जो यात्री है अपना कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसिल करते हैं, इसके वजह से रेलवे को कितना फायदा होता है पता है? रेलवे के हिसाब से लगभग हर साल 450 करोड़ रुपए रेलवे को इससे फायदा होता है, कंफर्म तत्काल टिकट की वजह से सिर्फ। तो ऐसे में रेलवे को यह लग रहा है कि ये जो नया नियम है जिसमें रिफंड किया जाएगा, इसमें रेलवे को घाटा होने वाला है। और इसके बारे में एक आर्टिकल अमर उजाला में भी आया था, ये बात मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है, अब यहां पर आप यह देख सकते हैं। तो नियम कुछ ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन होंगे, काउंटर टिकट हो या फिर ऑनलाइन IRCTC की टिकट हो, आपके पास ऑप्शन होंगे तत्काल टिकट में कि क्या आप इस टिकट को कैंसिल करके रिफंड वाली जो रूल है वो अप्लाई करना चाहते हो इस टिकट में। तो यहाँ आपको टिक करना होगा, एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उसको आपको टिक करना होगा। टिक करते ही टिकट के ऊपर लगभग, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 150 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपये का अगर आपका टिकट है तो 1150 रुपये तक आपको यहाँ लग सकता है, यानी कि उस टिकट को आप कैंसिल करोगे। और ऐसा नहीं है कि कैंसिल करने पर आपको जो पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, यहाँ भी एक टाइम जो है निर्धारित किया गया है, जो पहले वाला नियम है, यानी कि कितनी गाड़ी जो है आपकी स्टेशन पर है उस टाइम से कितने देर पहले आप कैंसिल कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको रिफंड किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इस नए अपडेट से, ये जब अभी तो आया नहीं है, जब आएगा इससे फायदा उन लोगों को होगा जो श्योर नहीं है कि तत्काल तो अभी मेरे सामने दिख रहा है, मैं बुक कर देता हूं, जाऊंगा नहीं जाऊंगा श्योर नहीं हूं। तो ऐसे में ये ऑप्शंस वो लोग ले सकते हैं कि 150 रुपये रिस्क में डाल सकते हैं, वरना आपका 1000 का पूरा 1000 रुपया जो यहां पे लग रहा था, अभी जो भी किराया है आपका वो पूरा खतरे में था। तो यहां आप 150 देकर अपना पूरा किराया जो है या फिर जो भी रिफंड अमाउंट को आप सुरक्षित कर सकते हो, जैसा कि एयरलाइंस में होता है, हवाई टिकटों में होता है, वैसा भारतीय रेल यहां पर करने की सोच विचार कर रही है। जैसे ये नियम आता है या लागू हो जाता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहां कि मेरे हिसाब से ऐसा है कि इस रूल को जो है आना चाहिए, ये अपडेट आना चाहिए, जिससे कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं ले, जिनको चाहिए, जो जिनको लग रहा है कि मतलब वो श्योर नहीं है तो वो ले ले। तो इस हिसाब से इसको ऐड होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ये होना चाहिए या नहीं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।